अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली वेलकम बैक टू सर ब्लॉग से भी जाओ फ्री कैसे हैं आप सब लोग में उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आज मैं एक बार फिर से बहुत अमेजिंग सी टाइम सेविंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ आप लोगों ने पहली वीडियोस को भी बहुत मेरा पसंद किया है थैंक यू सो मच फॉर दैट और इन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाली वीडियो भी आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे तो चलते हैं टिप नंबर वन से टिप नंबर वन में मैं आपको क्लीनिंग टिप्स सिखा रही हूँ और फ़ौन जल्दी जल्दी टिप्स वाली दिखा रही हूँ वो ये कि हमारे किचन में ये सारे जो रबर या सिलिकॉन के जो आइटम्स होते हैं जिसमें स्पैचुला होता है ब्रश होता है ये पॉट को पकड़ने के लिए ये ग्लव्स होते हैं तो ये सारे आपके सिलिकॉन और रबर के फॉर्म के होते हैं तो इनको जल्दी जल्दी यानी इनको फ़ौर फटाफट आधे घंटे के अंदर सफ़ाई कैसे की जाती है तो इसको मैंने सबसे पहले एक बाउल में पानी भर के इन सारी चीज़ों को डाल दिया और उसके बाद मैंने ये लिक्विड डाल दिया डिटर्जेंट लिक्विड डाल दिया और उसके बाद सिरका डाला और सिरके के बाद मैंने बेकिंग सॉरी बेकिंग हमेशा कहती हूँ मीठा सोडा बेकिंग पाउडर नहीं डालना हमें मीठा सोडा डालना है लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बेकिंग पाउडर डालना हो या मीठा सोडा डालना हो हमें डालना है मीठा सोडा तो ये डालने के बाद मैंने थोड़ा सा चम आ, मतलब हाथों से थोड़ा सा उधर उधर लगाया कि जहाँ पानी पहुँचना मुश्किल था तो मैंने वहाँ बस हल्का हल्का सा जो है पानी वहाँ तक पहुँचाया और यकीन करें मुश्किल से आधे घंटे में यानी जब मैं ये हाथों को फेर रही थी उस वक्त ही ग्रीस इसकी निकल निकलना शुरू हो गई थी लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं आधे घंटे के बाद बस आधा घंटा हुआ था आफ्टर थर्टी मिनट्स जो है वो मैंने सिर्फ फ़ोम को अच्छी तरह धोया इसके अंदर देखे मैंने कुछ भी नहीं लगाया ना लिक्विड लगाई ना मैंने कोई डिटर्जेंट लगाया सिंपल इसको अच्छी तरह पानी से वॉश किया और फिर उसके बाद आ, अपनी आ, यानी सेटिसफेक्शन के लिए मैंने ये फोम को किया वर अगर मैं फोम भी नहीं करती तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं फोम को फोम से इसको र, आ, साफ करती तो यकीन करें ये इतनी अच्छी तरह साफ हो गए थे सारे सिलिकॉन के आइटम्स जो हैं चाहे वो ग्लव्स हों या वो ब्रश हों या वो आ, स्पून होल्डर हो क्योंकि मेरे पास दो स्पून होल्डर हैं एक प्लास्टिक का है जो आपने अमूमन देखा होगा और ये सिलिकॉन का आपने कम देखा होगा क्योंकि मैं इस वाले स्पून होल्डर को बहुत कम यूज़ करती हूँ तो बहरहाल ये देखें इतनी अच्छी तरह ये साफ हो गया था कि मेरा मुझे इतनी अंदर से खुशी महसूस हो रही थी मैंने कहा वाजी ये और ये वाली चीज़ें हमें आ, महीने में एक आध दफ़ा साफ़ करते रहना चाहिए क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में बहुत इस्तेमाल होती हैं तो बहरहाल अब टिप नंबर टू ऑब्वियसली हमारे किचन का साथी कटिंग बोर्ड इसके बगैर कटिंग बोर्ड यानी इसके बगैर कटिंग करना नामुमकिन है और हमेशा हमारे घरों में कटिंग तो होती ही है तो उसमें सबसे पहले आप लोग मीठा सोडा डालेंगे और मीठा सोडा डालने के फ़ौर बाद आप जो लेमन लेंगे अच्छा मेरे पास छोटे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरे गार्डन में अभी स्मॉल लेमन ही ग्रो हो रहे हैं तो वो लेकर इसको अच्छी तरीके से आप बिगड़ेंगे और इसको पाँच मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे फिर ये आएगी शक्ल हमारे कटिंग बोर्ड की क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कटिंग बोर्ड को भी हमें रोज़ाना इस तरह रोज़ाना तो नहीं साफ करना चाहिए लेकिन हफ्ते में दो दफ़ा तो साफ इस तरह हमें करना चाहिए बाहर अब आते हैं हम टिप नंबर थ्री अच्छा यहाँ पे मैंने जानबूझ कर थोड़ा सा तेल गिराया था सिर्फ आपको टिप दिखाने के लिए लेकिन अक्सर और बेशतर हमारे किचन uh, काउंटर में यानी काउंटर uh, में तेल गिर जाता है या कभी कभार अंडे गिर जाते हैं ये वाली टिप जो है अंडे के लिए भी है तेल गिर जाता है या अंडे गिर जाते हैं तो उसको फ़ौर साफ़ करने के लिए क्या है कि आप उसके ऊपर नमक डाल दें जिस तरह मैंने ये नमक डाला यकीन करें जब मैं ये कर रही थी ट्रिक तो मेरी मेर इतनी हैरत में हुई कि भाजी साफ हो गया यानी आप हैं नहीं आप, आप, आप नहीं फील कर सकते हैं कि ये चिकना भी नहीं था यानी सिर्फ हमने नमक डाला है और फिर इसको मैंने जो सिंपल जो आपका फोम होता है उससे सिर्फ सिंपल इसको साफ़ कर लिया दैट्स ऑल और ये चिकना भी नहीं था और टिप नंबर कौन सी चलेगी मुझे मतलब याद नहीं आ रही है। और ये ऑब्वियसली किचन का जो सिंक है ये मेरा फुल हो गया था तो मैंने कहा कि मैंने इसके अंदर जैसे तैसे पानी निकाला और पानी निकालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला सिर्फ और मीठा सोडा और विनेगर और उसके बाद गर्म पानी ये आपको दो दिन बाद हमेशा करते रहना चाहिए और ये थी टिप नंबर फोर और अब टिप नंबर फाइव जो है साथ ही साथ मैंने कहा मैं आपको रेसिपी भी बताती रहूं और टिप नंबर फाइव मेन ये है कि वन पॉट डिश ऑब्वियसली इसमें भी टाइम आपका काफ़ी बचता है कि आप रोज़ाना की सूरत में कभी कभार आप बना लें बहुत लवाजबात कर लें लेकिन जो टाइम जब नहीं होता तो बस जाता है एक ही पॉट में आप फ़ौरन सारी चीज़ें डालें और खाना एक ही पॉट में बन जाए बहुत सारे ऐसे खाने हैं लेकिन यहाँ पर बना रही थी मैं अपना कुटी मिर्चों का कीमा और इसमें सिंपल मैंने प्याज को ब्राउन करके सारे खड़े मसाले डाले जिसमें आपका बड़ी इलायची छोटी इलायची लौंग और ज़ीरा और काली मिर्च थी और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने कीमा डाल दिया और फिर अच्छी तरह भून लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक कुटी मिर्च क्रश चिलीज डाली और मैंने इमली भी डाली थी और फिर ऊपर से मैंने साबित लाल मिर्चें डाल दी दैट्स ऑल तो ये बहुत मज़े का खाना बना था हमारे यहाँ और वन पॉट डिश भी थी और यकीन करें आधे घंटे के अंदर मैं फारिग हो गई थी खाना बनाने में अब टिप नंबर आती है सिक्स और टिप नंबर सिक्स और सेवन साथ ही साथ हैं ये समझ लें यहाँ पे आई थी चिकन और चिकन को मुझे धोने में बहुत बुरा लगता है शदीद तो मैं क्या करती हूँ इसको आधे घंटे पहले इसको भिगो देती हूँ और इसके अंदर सिरका डाल देती हूँ उससे क्या होता है कि आपकी चिकन जो है अच्छी तरीके से साफ हो जाती है जो इसके अंदर ब्लड लगा हुआ होता है वो चिकन की बोटियों से हटना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ विनेगर तो और फिर उसके बाद आप साफ़ कर लें क्योंकि चिकन को साफ करना मुझे बहुत बुरा लगता है अंदाज नॉट लीस्ट टिप नंबर सेवन ऑब्वियसली आप चिकन धोएं या आप कभी कभार का अनियन काटें या अद लहसन का पेस्ट अदरक लहसन को पील ऑफ करें तो आपके हाथों में क्या हो जाती है स्मेल आ जाती है तो उसके लिए बहुत सारी टिप्स हैं जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिंपल मीठा सोडा और साथ ही साथ विनेगर अच्छी तरह हाथों में मल लें जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी स्मेल होगी वहाँ पे तो वहाँ अच्छी तरह आप अपने हाथों को अच्छी तरह रिगड़ें और फिर उसके बाद हैंड वॉश लिक्विड या फिर सोप जो भी आप पसंद करें उससे अच्छी तरह आपने हैंड वॉश कर लें यकीन करें स्मेल फ़ौर भाग जाती है तो ये थी मेरी सारी छोटी छोटी टिप्स जिसमें आपका टाइम बहुत सेफ होता है इन टिप्स को अपनी आदत बना लें और यकीन करें अगर आप इनको आदत बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा किचन में काम करते हुए तो बहरहाल आई होप कि आपको ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी पसंद आई होंगी और इनको ज़रूर देखिएगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को ये वाले ब्लॉग्स मेरे कैसे पसंद आ रहे हैं सो डू सब्सक्राइब माई चैनल है दैलैकन ए लाइक एंड शेयर है दुआ में याद रखिएगा टिल देन अल्लाह हाफिज़